हेलो बच्चों, तो आज हम कर रहे हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज नंबर 12.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो जैसा कि बच्चों हमारे पास सवाल है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। तो ये परिधि बच्चों 22 सेंटीमीटर। तो यह है बच्चों हमारे पास परिधि 22 सेंटीमीटर। तो यह बच्चों इसका हल, तो आइए हम देखते हैं किस तरीके से होगा ये। कि सबसे पहले वृत्त की परिधि जो उसने हमको दी हुई है बच्चों, वृत्त की परिधि हमारे पास कितनी है? 22 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है बच्चों हमारे पास 2 पाई आर, यानी कि 2 पाई आर। तो वृत्त की परिधि हमारे पास कितनी है बच्चों? 22 है। 2 का 2 आ गया, और इसमें देखो ये क्या होता है, पाई का मान याद रखना है बच्चों आपने। पाई का मान होता है 22/7, ठीक है बच्चों, ये पाई का मान आ गया। आर हमारे पास नहीं है बच्चों इसमें, ये जो त्रिज्या नहीं है, तो उसको हम पहले ले आएंगे देखो यहाँ पे, और हम रख देंगे इसके नीचे, रख देंगे 1। जब ये रकम यहां जाएगी घूम के तो क्या हो जाएगी? उल्टी हो जाएगी, 2/1 है तो 1/2 हो जाएगी। 22/7 है, ये जब जाएगा इस तरफ तो ये उल्टा हो जाएगा, 7/22 हो जाएगा। तो 22 से कट जाएगा 22, तो यहां बचेगा 7 का 7 और 7/2, ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। यहां से त्रिज्या मिल गई बच्चों हमें, तो ये हमको त्रिज्या मिल गई 7/2 सेंटीमीटर। अब जैसा कि बच्चों हमारे सवाल में हमसे ये पूछा गया है चतुर्थांश का क्षेत्रफल, देखिए ये हमसे जो है पूछा गया है चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए बच्चों क्या फॉर्मूला होता है चतुर्थांश का क्षेत्रफल? ये होता है बच्चों हमारे पास θ/360 और साथ में πr², थीटा बच्चों हमारे पास है यहां पर 90 है, क्योंकि आपने देखो ये रखना है याद कि ये जो चतुर्थांश पर जो भी कोण बनता है वो हमेशा 90 डिग्री का होता है। तो बच्चों इसमें 90 हमारे पास नहीं दिया गया है, तो आपको इसमें ये जो है रखना है याद कि हमेशा ये जो चतुर्थांश पर जो भी कोण बनता है वो 90 डिग्री का बनता है, यानी कि 90 का बनता है, ठीक है बच्चों। तो यहां से 0 पहले क्या हो जाएगी बच्चों? कट हो जाएगी, 9 से काट देंगे, 9 चौके 36। अब यहां पर ये देखो क्या है बच्चों, इसमें पाई है तो पाई का मान 22/7 आ गया, आर की 2 है। अब देखो आर हमारे पास ये है, तो इसको हम 2 बार लिखेंगे, ठीक है बच्चों, 7/2 और 7/2। तो पहले कट जाएगा देखो, ये 7 से कट गया 7, और देखो यहां से कट जाएगा, देखो ये कटेगा 2 दूनी 4, और ये कटेगा 2 एकम 2, 2 एकम 2, यानी देखो यहां पे कितना आ जाएगा? 11। तो यहां करेंगे बच्चों इसको, तो ये बनेगा 11 7 जो है 77, और नीचे बनेगा 2 दूनी 4, और ये बनेगा 4 दूनी 8। 77/8 को जब हम यहां से करेंगे भाग, तो हमारे पास आ जाएगा बच्चों 9.62 वर्ग सेंटीमीटर, और ये है बच्चों हमारा आंसर। तो ये था बच्चों हमारा क्लास 10th का एक्सरसाइज नंबर 12.2 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ठीक है बच्चों। तो